वाराणसी में कल हुए ओवरब्रिज हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने आज वाराणसी पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर। वाराणसी के मंडली अस्पताल पहुंचे और हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल लिया। उसके चेस्ट में बता रहा था ये पैर में एक्सरे वगैरह हुआ है पहले, लेकिन कल रात आज इलाज कर रहे हैं। रहने वाले बनारस के हैं और गए थे बेचने के लिए वहाँ पे। किसकी जिम्मेदारी है? अरे आईपी भैया नीचे ये तय करना चाह रही है सरकार, किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन सर सवाल ये नहीं है कि जिम्मेदारी किसकी है, सवाल ये है कि ये लापरवाही है और ये लापरवाही बड़ी लापरवाही है कि जहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो जाए, जहाँ पर इतने इतने बड़े स्लैब्स, इतने बड़े पुल जो हैं वो बनाए जा रहे हों, अगर इस देश के अंदर किसी भी लोकसभा में अगर ऐसा हुआ होता तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ किसी भी पार्टी का सांसद क्यों ना होता, वो किसी भी पार्टी का सांसद क्यों ना होता, वो अपने लोगों के बीच में अपने क्षेत्र में आता और इस घटना के बारे में स्वयं जानकारी लेता। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस तरह से इस क्षेत्र का सांसद कर्नाटक की जीत का जश्न मनाने के लिए वहां पर अगर कम उनके विधायक चुने गए तो उसके लिए तीन तीन चार चार कैबिनेट के मंत्री जो हैं वो बेंगलोर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी कोई भी केंद्र का मंत्री आकर यहाँ पर ये नहीं देख रहा कि कितनी गंभीर घटना है। दूसरी बात ये है कि इस घटना के पीछे आपने चंद अधिकारियों को आपने यहाँ से उनको बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया, उसके माने क्या? जो लोग इस काम को करा रहे हैं, जो राजनीतिक ताकतें जो इसको पूरा करवाने के लिए किसी भी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है राहगीरों को, वहां पर बसने वालों को, वो कौन लोग हैं? जिम्मेदार तो वो लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने पैदा कर रखा है कि कोई भी अधिकारी उन सुरक्षाओं के मापदंडों को माने उनको पूरा नहीं कर पा रहा है। अंदर हम आए हैं तो लोगों का कहना ये अंदर घुसते घुसते कि तीन विनायक गणपति के विनायक के यहाँ पर मंदिर तोड़ दिए गए हैं, ये भाजपा सरकार के आने की वजह से ये विनायक तोड़ दिए गए हैं, ये अतीत होनी ही थी। यानी यहाँ तक लोगों का मानना हो गया है कि यहाँ पर जिस तरह से पंचकोसी के अंदर जो एक तोड़ फोड़ की जा रही है, वहां पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लोग यहाँ के ये मान रहे हैं, बनारस के रहने वाले लोग ये मान रहे हैं कि ये उसका अभिशाप है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सबसे पहले सांसद यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ का जो मंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए, जो पीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी का है, जो यूपी सेतु का जो मंत्री है जिसके अधीन है, कि आखिर क्यों नहीं ऐसी सुरक्षा के मापदंड, ऐसे सुरक्षा का काम क्यों नहीं किया गया। और दूसरी बात ये कि जितने भी प्रदेश के अंदर देश के अंदर जहां भी इस तरह के काम चल रहे हैं, जो बहुत ही सघन इलाकों में हैं, उन सभी पर काम रोक दिया जाए। मैं उस बात को नहीं कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये लापरवाही है प्रदेश के अंदर। प्रदेश के लोगों ने जिस तरह से अधिकारियों को सस्पेंड करके अपनी पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, इसके अंदर वो तमाम वो मंत्री, तमाम वो लोग जो जल्दबाजी के अंदर इसको पुल के काम को पूरा करने के लिए लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, ये पुल मौत का सौदागर नहीं रहा है। ये बाकायदा यहाँ पर अंदर बोल रहे थे साहब, इस पुल के आज किसी ने लाइन लिखी अखबार में कि ये पुल मौत का सौदागर निकला। यहाँ पर कोई सौदागर नहीं है, लेकिन जो बेचारे मामूली मामूली से काम करने वाले लोग हैं वो इसमें दब गए, वो मारे गए हैं।
मैं इतना चाहूंगा कि इसको हम बहुत गंभीरता से देखें और उन तमाम लोगों को जो जिम्मेदार लोग हैं उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर मंत्री महोदय स्वयं इस्तीफा देते यहाँ आकर बैठने के बजाय, यहाँ आकर जो है सिर्फ जो है कार्यवाही करने के बजाय अधिकारियों पे, अगर वो स्वयं इस्तीफा देते और प्रधानमंत्री अगर कम से कम स्वयं आते, अगर स्वयं नहीं आ सकते थे तो उनको चाहिए था कि कैबिनेट के मंत्री यहाँ पर आए। और दूसरी बात यह है कि क्या 5 लाख रुपए किसी जान की कीमत लगा देंगे और आप जान लेना शुरू कर देंगे? 5 लाख रुपया क्या कीमत है? जो घर का सबसे मुखिया काम करने वाला आदमी है, जो उसमें दब के मर रहा है, उसके लिए 5 लाख कीमत लगाई जाएगी? कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और हम चाहते हैं कि 50 लाख कम से कम यहाँ पर उस परिवार को खड़े होने के लिए 50 लाख का मुआवजा देना चाहिए। ये 5 लाख का मुआवजा देके मजाक किया जा रहा है और जो घायल हुए हैं वो पता नहीं कितने दिन तक काम नहीं कर पाएंगे, उनको कम से कम 20 लाख 10 लाख रुपए की बाकायदा उनकी चोटों को देखते हुए उनको मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो कब तक काम नहीं कर सकते हैं, और इलाज को लेकर उनका पूरा इलाज होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है अगर सेतुओं में काम बंद नहीं किया गया, जो जहां सेतु है इन सघन इलाकों में अगर कमेटी बिठाकर उस पर जो है सुरक्षा का प्रावधान नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन करेगी। हम इसके लिए तैयार हैं।